ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ममता बनर्जी को बनारस में काले झंडे दिखाए गए, और दावा यह किया जा रहा है कि ममता बनर्जी को उससे पहले भाजपाइयों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, और ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। ममता बनर्जी प्रचार करने आ रही हैं, अखिलेश यादव जी के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। मेरा सवाल कुछ हटकर है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अब बोलेंगे दीदी, ओ दीदी बोलेंगे? लगता है आपको? किरण जी, एक तो सबसे पहले मैं क्लियर ये कर देता हूं आपको, बड़ी शांति और शालीनता के तरीके, क्योंकि मैं हर बात तर्क के साथ बोलता हूं। नहीं, ये क्या मैंने कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया? दीदी और दीदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते थे। मैंने कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया प्रमुख साहब। मैंने तो कहा ही नहीं। मैं तो आपको हमेशा अच्छा शानदार एंकर समझता हूँ, दीपकता के लिए भी आपको मानता हूँ। आप इसे कहीं से कहीं तक साबित नहीं कर सकते कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इसमें कैसे आप साबित कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के? आप खंडन कर दीजिए। नहीं, भाजपाई है, मैंने ये कहा कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये भाजपाई हैं। आप खंडन कर दीजिए, कोई भाजपाई नहीं है, मैं कह दूंगा कि नहीं है। इसका एक उदाहरण देता हूं सर, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए ऊपर की तरफ, मैं वो देखना चाहता हूं जो आपने भगवा गमछा डाला हुआ है। हाँ बिल्कुल है, मैं दिखा देता हूं। हाँ सर, ये है ना सर? अब मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि दावा किए आप हैं भाजपा नेता, है ना सर? अब मैं तस्वीरें दिखा दे, भाजपा नेता से अलग मेरा भगवा का अपना प्रेम जी, है। आप हो सकता है मैंने नहीं पहन रखा, मेरा भी प्रेम हो, है ना सर? रहे अपने... जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी जी, ये मेरी अपनी भावना है। मैं आपको दिखा सर, कपड़े देख कर ये थोड़ी ना बता रहा हूँ आतंकवादी कौन है। कपड़े देख कर, कपड़े से आप मेरे मन को नहीं पढ़ सकते। नहीं, कपड़े देखकर तो बहुत लोग कुछ पढ़ लेते हैं सर, कपड़े देखकर। देखिए सर, अभी हो सकता है कुछ के पढ़े जा सकते हैं, लेकिन कुछ के मन और कपड़ों में ज्यादा फर्क ना होता। अच्छा सर, सर ये भगवा हाथ में पकड़े हुए काले झंडे दिखा रहे हैं और ममता बनर्जी खड़ी है, आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी नेता नहीं है ना सर? देखिए मैं तो एक चीज और कह रहा हूँ, मैंने तो कहा हो सकता है उन लोगों को दुख हुआ है, प्रमुख साहब घर में आकर आप जब उन पर अपने घर में उनके साथ आपने ये किया तिलक जी, तो उनके घर में आके कौन गाला डालेगा? अच्छा आप कुल मिला के बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि नहीं दीदी और दीदी? देखिए देश के प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, देश के प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री हैं, और हमेशा है? बिल्कुल शब्द शब्दों के साथ बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, बहन बोलते हैं, और मर्यादा में बोलते हैं। सर मैं कौन सा कह रहा हूँ कि वो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करें, मैं तो वो याद दिला रहा हूँ आपको, पश्चिम बंगाल दीदी, ओ दीदी। मैं भी बोलता हूँ, कुछ तस्वीरों के साथ आगे आऊंगा, वो डीएम के बोर्ड वाली तस्वीरें आई हैं अभी आपने प्रमुख साहब मुझे दिखाया ना, देखो मैंने भगवा पहना है, आपने मुझे खड़े होकर दिखाया, देखो मैंने भगवा पहना है। मैं भगवा से जुड़ी हुई एक तस्वीर दिखाता हूं आपको, ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, इस तस्वीर के पीछे दो तस्वीरें हैं, एक आवास है जिला अधिकारी अयोध्या का, ये हरे रंग का बोर्ड लग रहा है, और दूसरा है पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा अयोध्या का एक और बोर्ड आपको दिखाई देगा, जो जिसमें दिखाया गया है कि पहले बोर्ड लगा हुआ था अयोध्या का, बिल्कुल सही। ये जिलाधिकारी हैं नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के आवास के बोर्ड का रंग बदल दिया गया है, जिलाधिकारी का बोर्ड पहले भगवा रंग का था, भगवा हुआ करता था, और आज अचानक जो है बोर्ड जो है वो हरे रंग का हो गया। सत्ता के बदलते रंग देख रहे हैं आप, सोचिए सत्ता के रंग बदल रहे हैं, ये अफसर भी पाला बदल रहे हैं क्या? नहीं, ये आपने कर लिया, ये अच्छी बात है, मीडिया की कवरेज है, इसके लिए आप बधाई, शानदार। आपने कभी सोचा कि भगवा रंग को हटा के हरा रंग लगा दिया गया, आपको अफसोस नहीं हुआ? नहीं, हो सकता रात में रात जान के कर दिया हो, जांच का विषय है, जांच होगी, जेल चले जाएंगे। जेल चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, भगवा हटा दिया इसलिए। इस तरह से किया, अगर जिलाधिकारी का बोर्ड बिगर किसी वजह से बदला गया है, हाँ, बिगर किसी कानूनी प्रक्रिया के बदला गया है, तो वो जेल जाने का काम है। ये सत्ता के रंग बदल रहे हैं आपको लगता है? नहीं,